दोस्तों आज मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाने वाला हूँ। इस पौराणिक कथा का शीर्षक है सोना चांदी नहीं भावनाओं का महत्व। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा के मन में एक दिन बहुत ही अजीब सा विचार आया। वह हट करने लगी कि श्री कृष्ण जी को अपने गहनों से तोलेंगी। श्री कृष्ण जी को जब ये पता चला तो वे सत्यभामा से कुछ बोले नहीं, बस मन मन मुस्कुराने लगे। सत्यभामा अपने ढेर सारे जेवर ले आई, पल्ले के एक तरफ उन्होंने भगवान को बैठा दिया और दूसरी तरफ उन्हें जेवर रखने लगी, लेकिन पल्ला अभी भगवान की तरफ ही झुका था। सत्यभामा के पास जेवरों की कोई कमी नहीं थी, वो जाकर और ढेर सारे जेवर ले आई, लेकिन पल्ला जरा भी नहीं हिला। सत्यभामा ने अपने सारे जेवर तराजू पर रख दिए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में थक कर बैठ गई। तभी वहां रुक्मणी का आगमन हुआ। सत्यभामा ने उन्हें सारी बात कह सुनाई। सत्यभामा की बात सुनकर तुरंत रुक्मणी जी पूजा का सामान ले आई। उन्होंने भगवान की पूजा अर्चना की। उसके बाद जिस पात्र में भगवान का चरणों तक रखा होता है उसे गहने वाले पल्ले पर रख दिया। देखते ही देखते पल्ला झुकने लगा और भगवान का पल्ला ऊपर उठ गया। सत्यभामा हैरानी से सब कुछ देख रही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि जो पल्ला इतने सारे गहनों से नहीं झुका वह एक हल्के से पात्र से कैसे झुक गया। वह रुक्मणी से इसका कारण पूछने लगी। तभी नारद मुनि भ्रमण करते हुए वहां पहुंच गए। सत्यभामा की परेशानी समझकर वे इसका कारण उन्हें बताने लगे। नारद जी बोले, भगवान की पूजा में महत्व सोने चांदी के गहनों का नहीं होता, बल्कि सच्ची भावना और श्रद्धा का होता है। रुक्मणी ने अत्यंत प्रेम से भगवान का पूजन किया, जिससे उनकी श्रद्धा और भक्ति की ताकत चरणों तक में समा गई। जब रुक्मणी ने ये पात्र तराजू पे रखा तो उनकी भक्ति की ताकत से पल्ला नीचे चला गया। ईश्वर को सिर्फ सच्चे प्रेम श्रद्धा और भक्ति की भावना से ही पाया जा सकता है। सोने चांदी और रुपए पैसे का भगवान की नज़र में कोई मोल नहीं होता। भगवान की पूजा यदि सही ढंग से की जाए तो ईश्वर की प्राप्ति अवश्य होती है। सच्ची भक्ति और प्रेम के आगे ईश्वर भी झुक जाते हैं। सत्यभामा को उनकी बात समझ में आ गई थी। मित्रों, इस पौराणिक कथा के माध्यम से हमें ये सीख मिलती है कि अगर भगवान के करीब रहना है या ईश्वर को प्राप्त करना है तो सोना चांदी और पैसे जैसे भौतिकवादी चीजों को भूलकर अपने मन में श्रद्धा का भाव उत्पन्न करना होगा। यही एकमात्र मार्ग है सच्ची भक्ति और ईश्वर को पाने का।